कि आप किसी भी तारीख का दिन ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कोडिंग है, वो कोडिंग आप लोगों को याद रखनी है। जैसे 1900 की कोडिंग है 1, ठीक है। 2000 की कोडिंग लेते हैं इधर, तो वो आती है 0। ये कोडिंग आपको याद रखनी है। फिर कोडिंग होती है, अपना वीक शुरू होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इनकी कोडिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ जो दो चीजें बताई हुई हैं, वो एक बताई हुई है 1900 है, उसका कोड होता है 1, ठीक। 2000 का कोड होता है 0, और ये दिन के कोड लिखे हुए हैं सब दिनों के, कि संडे का कोड होता है 0, मंडे का कोड होता है 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, ऐसे सबके कोड लिखे हुए हैं 6 तक, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ बोर्ड के ऊपर। अब हम निकालने जा रहे हैं आज, सपोज दैट हम किस दिन आजाद हुए थे, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 इस दिन हम आजाद हुए थे। हम चाहते हैं कि इस दिन की कोडिंग, इस दिन का मतलब जिस तारीख को दिन कौन सा था, हम चाहते हैं जिस तारीख को दिन कौन सा था ये पता करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। कैसे पता करेंगे, सबसे पहला काम जो करते हैं हम लेंगे ईयर को, इसको क्या लिखा है 1947, 1947 को स्प्लिट करेंगे, 1947 को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट किस तरीके से करते हैं, देखिए 1946 + 1। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने 1947 क्यों नहीं लिखा, मुझे तो स्प्लिट करना था, तो मैंने 1947 भी लिख सकता था, परंतु मैंने 1946 + 1 लिखा है। ये क्यों लिखा है, इसका कारण बता दूं, क्योंकि 46 साल कंप्लीट हो चुकी है, 47 भी तो चल रही है, जो कंप्लीट ईयर हो चुकी है वो हो चुकी है 46। कंप्लीट ईयर कितनी हो चुकी है 46, जो 47 है वो तो अभी चल रही है, पूरी हुई नहीं है, उसके लिए 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप यहां आइए, 1900 का कोड आपको पता है कितना होता है 1, 46 में लीप ईयर आपको मालूम है कि जो है लीप ईयर हर चौथी साल लीप ईयर होती है, तो 46 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 11 लीप ईयर आ जाएंगे, 11 लीप ईयर आ गए, 11 लीप ईयर रह होंगे तो 11 हो गए आपके लीप ईयर, 11 लीप ईयर। एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो 11 लीप ईयर आई हैं, तो कितने एक्स्ट्रा दिन आ गए आपके पास, 22। जब 11 लीप ईयर हैं, कितनी 46 में 11 लीप ईयर हैं, माइनस करेंगे 11 को तो कितनी साधारण वर्षें बचेंगी, 35 हो गए नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 1 × 35 जो कितने दिन आ जाएंगे, 35। अब हमारे पास एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए, 22 और 35। बात समझ में आई आपको, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, हमारे पास जो सन थी वो साल थी वो थी 46, ठीक। 46 में हमने 4 से डिवाइड करा तो हमने देखा 11 टाइम चला जाएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन 11 टाइम चला जाएगा, इट मींस कि इसमें जो है 11 लीप ईयर रहे होंगे। जब 11 लीप ईयर रहे होंगे और एक लीप ईयर में 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, तो 11 लीप ईयर में 22 दिन एक्स्ट्रा रहे होंगे। 46 में से 11 माइनस कर दिया लीप ईयर वाली चीज, तो जो बचे कितने साल बचे अपने पास, 35 साल ऐसे रहे होंगे जिनमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 35 दिन जी एक्स्ट्रा आ गए।
अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22 और 35 को ऐड करके कितना आता है? 57, 57 आएगा। 57 में डिवाइड करेंगे 7 से, 57 में डिवाइड करेंगे 7 से, 78 जा 56, रिमाइंडर बचा 1, जो रिमाइंडर बचेगा वही 46 का कोड हो जाएगा 1। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात आती है 15 अगस्त की, क्योंकि हम 1947 को सॉल्व कर चुके हैं, 1946 तक का तो निकाल चुके ना कोड, 1900 का जे निकाल लिया, 46 का जे निकाल लिया, अब रह गया 15 अगस्त। तो हम यहां पूरे महीने लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये हमने मेरे पूरे दिन महीने लिखे हुए हैं। जनवरी में दिन 31, देखो 47 लीप ईयर तो होती नहीं है, जब लीप ईयर नहीं होती तो फरवरी 28 की, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, और अगस्त, कितने अगस्त की बात कर रहे हैं? 15 की, तो 15 लेंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 27, 227, इसका टोटल आएगा 227। जो इसका टोटल आया है इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 21, 1 बचा 17 आ गया, 7, 2 14, 3 बचा, जो रिमाइंडर बचता है वो इसका कोड हो गया 15 अगस्त का, ठीक है। अब इनको हम तीनों को जोड़ देते हैं, तो 1 और 1 2, 2 और 3 5, टोटल आया 5। आप देखें 5 आपका कौन सा डे आ रहा है? फ्राइडे, उस दिन फ्राइडे था। समझ में आया सबको? 15